ने जो कहा है मुझे लगता है 99% सही कहा है। उन्होंने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो आज शायद हम उनको फिर से मुख्यमंत्री बना देते। इसका सीधा अर्थ यह निकलता है कि उस दौरान जो सियासती हालात थे वो हालात को हम मानते नहीं, वो अच्छी बात नहीं थी, वो अनैतिक था। नैतिकता के किसी भी आधार पे ये सरकार रह नहीं सकती। इसका सीधा अर्थ उस उन दो लाइनों में निकलता है। चीफ व्हिप जो है वो, उन्होंने कहा कि तुम बदल नहीं सकते, आपको सुनील प्रभु को ही रखना पड़ेगा, वो पार्टी का अधिकार है, लेजिस्लेटिव पार्टी का अधिकार नहीं है। फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी दो बातें सुनाई कि लेजिस्लेटिव पार्टी और पार्टी का कोई संबंध नहीं होता है, पार्टी पहले आती है, पार्टी कार्यकर्ताओं की रहती है, और इसलिए आप लेजिस्लेटिव पार्टी को केंद्र केंद्र स्थान के ऊपर रख के पार्टी किसके हाथ में देनी चाहिए इसका चयन मत कीजिए। का सीधा अर्थ यह है कि इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहीं ना कहीं रोक दिया है। गवर्नर के हर निर्णय को उन्होंने गलत बताया, हर निर्णय। मुझे लगता है कि आज के बाद कोई देश का गवर्नर ये काम नहीं करेगा जो कोशियारी करके गए। तो मेरे हिसाब से ये जो निर्णय है ये अच्छा निर्णय है। आज उसके परिणाम नहीं दिखेंगे पर लेकिन आने वाले दिनों में इसके परिणाम दिखना शुरू हो जाएंगे। तो उद्धव ठाकरे का एक डिसीजन कहीं ना कहीं हाँ, ऐसा है कि हर सरकार आदमी की अपनी एक मानसिकता होती है, उसका अपना एक चरित्र होता है। मुझे लगता है कि उन्होंने राजनीति पद प्रतिष्ठा के ऊपर नैतिकता को रख दिया। हालांकि आजकल के सियासी माहौल में नैतिकता को पूछता कौन है, लेकिन वो आदमी ये समझता है कि मेरी नैतिकता, लोगों के सामने मैं नहीं जा सकता हूं कि मेरे साथ लोगों ने गद्दारी की है और फिर भी मैं जाके मेरे आसन पे बैठा हूं, नहीं। वो आसन अगर लोग मेरे से खींचना चाहते हैं तो वो खींच के लेके जाए, लेकिन मैं मेरी नैतिकता रस्ते पे नहीं रहा।